हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बताएंगे 3.1 का 2 नंबर, ठीक है, बीजगणित विधि से। हम कल भी बताए थे बीजगणित विधि से, तो आज भी हम आपको बताएंगे बीजगणित विधि से, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाइए इसको, ठीक है। 3.1 स्टार्ट हो गया है, इसमें 3 ही सवाल है मात्र, 2 सवाल ये दूसरा है और लास्ट सवाल आज इसी वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पर, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूले, ताकि सबसे पहले मोटिवेट वीडियो और विदाउट क्लियर करने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं बीजगणित विधि, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपया में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणित विधि या ज्यामिति रूप से व्यक्त करना है, ठीक है। तो ज्यामिति और बीजगणित विधि से दोनों से करके देख लेते हैं, दोनों से कोनो एगो आपको बता देते हैं, एग्जाम में कोई एगो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है, क्रिकेट टीम ने, एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, मान चलिए एक क्रिकेट टीम है और उस टीम में कितना आदमी है ये हमको पता नहीं, एक टीम है, ठीक है। उस टीम में एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला खरीदा, ठीक है। 3900 रुपया में वो जो है 3 बल्ला खरीदा, ठीक है, मान के चलिए 3900 रुपया में उसने 3 बल्ला खरीदा, ठीक है। तो सिंपली हम बना लेते हैं, 3 को बल्ला खरीदा 3900 रुपया में, ठीक है। 3900 रुपया में 3 बल्ला खरीदा और तथा 6 गेंदे खरीदा, 6 गेंदे खरीदा, 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है। तो 6 गेंद जो है खरीदा, 3900 टका में 3 बल्ला और जो है 6 गेंद खरीदा, ठीक है। तो बाद में उसने क्या किया कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंद, इसी तरह का 2 गेंद और खरीद लिया, ठीक है। तो 1300 रुपया उसका दाम पड़ा, जो पहले खरीदा था तो उसका दाम 3900 पड़ा था। तो हमको ज्ञात कर लेना, सबसे पहले देखते हैं कितना निकलता है, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पे, आपको एक बार में दिमाग में घुसेगा, ठीक है। पूरा देखिए इस वीडियो को, लिखेंगे हाल माना कि बल्ले का मूल्य ₹1 तथा गेंदे का मूल्य ₹Y है। तो हम मान लिए कि माना कि बल्ले का मूल्य ₹1 तथा गेंदे का मूल्य ₹Y, ठीक है। तो हम इसको माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहला तो कितना था, ठीक है, तो एक्स प्लस 3x प्लस 6y बराबर ये रहा आपका 3900, ठीक है। तो 3x का इसका कॉमन लेंगे 3 और 6 का कॉमन हो जाएगा x प्लस 2y, तो 2 3 6, तो y सटा देंगे इसमें बराबर 3900, ठीक है। इसका कॉमन की है तो यह कट सकता है, 13 3 39, ठीक है, 13 3 39 कट गया। x प्लस 2y बराबर हम लिख सकते हैं 1300, समीकरण ये आपका 1 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 6y बराबर 3900, तो 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2y द्वितीय 6, 2y था तो y लगा दिए बराबर 3900, 3 से कटाएंगे 13 3 39 हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 1300। समझ में आया आपको? तो देखिए पहला समीकरण हो गया, अब निकालना हमको दूसरा समीकरण, ठीक है। तो दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ 2 गेंदे, ठीक है, एक यहाँ पे दिया हुआ है 6 गेंदे खरीदे, बाद में उसने एक और बल्ला, एक और बल्ला, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 1300, समीकरण आपका ये रहा 2, ठीक है, आपका समीकरण ये रहा 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समीकरण हम दो तरह से बनाते हैं, समीकरण को चेंज करके भी हम बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो समीकरण चेंज करके अगर बनाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जो समझ में आएगा वही हम आपको बताएंगे। तो देखिए तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो बीच वाला समीकरण चेंज करेंगे, पहला का दूसरा का चले जाएगा, पहला में 3, ठीक है, 3 ऊपर और पहला का आएगा दूसरा में 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में गुना 3 से, प्लस का चिन्ह रहेगा तो आप माइनस कीजिएगा, प्लस प्लस माइनस होता है, ठीक है ना, समीकरण में। समीकरण 2 में गुना 2 से, ठीक है, ये आपका रहा फंडामेंटल, ठीक है। तो हम चेंज किए हैं वही लिखे हैं, ठीक है ना।
तो आपको भी लिखना, समीकरण हम शॉर्ट में लिखे, आपको एग्जाम में पूरा समीकरण लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना x, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस है प्लस 2 गुना 3 करेंगे तो द्वितीया 6y बराबर 1300 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा टोटल कितना 1339 तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना x तो 2x प्लस है तो प्लस 2 3 6 तो 6y बराबर हो जाएगा 13 गुना 26 तो आपका ये हो जाएगा नहीं तो 1300 गुना 2 करेंगे तो 2600 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइन मारेंगे, ये प्लस का तो माइनस में, प्लस का है तो माइनस में, और ये भी प्लस का है तो माइनस में, 3 में से 2 गया तो एक्स बचा बराबर 6y, 6y खत्म हो गया। तो यहाँ पे बच गया 0 में से 0 गया 0, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में से 2, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, तो x बराबर मेरा क्या निकल गया 1300, ठीक है। ये रहा आपका x बराबर 1300, ठीक है। अब हम निकालेंगे समीकरण दूसरा, ठीक है। समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण एक में क्या मान, x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। तो x का मान अभी क्या निकाले हम, 1300 निकाले हैं, सॉरी 13 नहीं 1300, प्लस का है प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। तो यहाँ पे 2y आ जाएगा बराबर 1300 इधर आया, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 1300, 2y हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 0/2, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो नोट आप कर लीजिए तभी आपको फायदा होने वाला, और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है आपको पूछ देगा कोई भी समीकरण दे निकालने के लिए, बीजगणित विधि से इसी तरह से आप निकाल के आइएगा एग्जाम में, ठीक है ना।